फ्रेंड्स, ये दाल मखनी बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम दाल लिए, काली उड़द की, और 150 ग्राम राजमा लिए। अब इसको उबालने जा रहे हैं। इसमें अब 2 से 3 टीस्पून तेल डाल रहे हैं। इसमें हमने डाल दिया जीरा, ये 1/2 टीस्पून हींग। फ्रेंड्स, ये 3 हरी मिर्च ली हमने, और ये 8 अदरक का टुकड़ा चॉप कर लिया। एक टीस्पून हल्दी डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें मिर्च डाल देते हैं। अब ये डाल जा रही है इसके अंदर। एक बड़ा चम्मच नमक है डाल रही हूं। इसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हैं। अब इस पे ढक लगा रहे हैं, 4 से 5 मिनट तक इंतजार करेंगे। देखो फ्रेंड्स, दाल घुल के ऐसी हो गई है। देखो ये बन के रेडी हो गई, इसके फोग लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा फैन ये गर्म हो गया है, इसमें हम मक्खन की टिक्की डाल रहे हैं। ये 1 चम्मच जीरे डाल रहे हैं, 4 काली मिर्च, 1 दालचीनी टुकड़ा, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता। अभी हम 1 मिर्च चॉप कर रखी है। अब ये डाल रहे हैं टमाटर उबला हुआ, काफी चॉप कर रखा। ये टमाटर सॉफ्ट होने के लिए 1/2 चम्मच नमक डाले, लेकिन हमारा दाल में नमक पहले से डला हुआ है। ये 1 चम्मच मिर्ची डालनी है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी, ये 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच दाल मखनी मसाला, इसको मिक्स कर लेते। इसमें ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये कसूरी मेथी है थोड़ी सी, हमारे मसाले से तेल अलग होने लग गया है, तो ये पक चुका है। किनारे में तेल पूरा मसाला छोड़ दो, डाल दें। अभी हम 2 मिनट पकने देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी दाल मखनी बन चुकी है। अब डाल रहे हैं हम ये फ्रेश क्रीम अमूल की। इस डालने से थोड़ा सा दाल का टेस्ट अच्छा हो जाता है, और ढाबे वाले भी इसकी यूज करते हैं क्रीम। ये डालने के बाद ऐसा लुक है।
ये अब दाल मखनी हमारी बन चुकी है। अब ये थोड़ा सा ऊपर से हमने हरा धनिया डाल देते हैं।